तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने BS6 बेंड पाइप को हटाकर BS3 बेंड पाइप में ऑक्सीजन सेंसर को इंस्टॉल कर दिया है। एंड काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैंने इस टॉपिक पे जो है इसलिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। तो लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वीडियो के BS6 बेंड पाइप के रिलेटेड। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को ताकि आप लेटेस्ट लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को जो है स्किप ना कर सकें। तो भाई सबसे पहले प्योर साउंड सुनिए कि कैसी साउंड है, फिर बात करते हैं आगे। तो ये हो गई इसकी साउंड। तो चलिए अब इसमें टेस्ट करते हैं पटाखे बज रहे हैं कि नहीं। इसमें आपको BS6 वाले बेंड पाइप के जो बोल्ट होता है उसको वेल्डिंग करनी है BS3 वाले बेंड पाइप पे। एंड उससे पहले आपको ड्रिलिंग मशीन से एक ड्रिल करके जो है छेद कर लेना है BS3 साइलेंसर के, तब जाके जो है आप वेल्ड कर सकते हैं बोल्ट को। एंड आपको ये बिल्कुल भी नहीं कराना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये इलीगल साइलेंसर है। एंड आपको जो है छेद करने से जो है इसकी वारंटी चली जाएगी एंड जो है आपका साइलेंसर जो है पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो है आप नहीं कराइए। जिनको ज़्यादा साइलेंसर में आवाज़ चाहिए होती है वो लगवा सकते हैं, पर आप बेंड पाइप में ऐसा कुछ भी मत करवाएं, क्योंकि इससे आपका जो ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाएगा, BS6 साइलेंसर ख़राब हो जाएगा एंड वारंटी भी चली जाएगी। अगर आपको आगे जो इशू कुछ भी आता है तो आपको जो है वारंटी भी आप क्लेम नहीं करा पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा वीडियो के एंड में कि अगर आपको शौक है तो आप जो है सिर्फ साइलेंसर लगवा लीजिए लॉन्ग बोटल, एंड अपनी एंड साइलेंसर भी जो है इलीगल आ रहा है तो अपनी सिटी के चलान को देखते हुए जो है आप साइलेंसर लगवा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इस टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके अपना जो है अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए कि मैं जो है स्पेसिफिक टॉपिक पे इस वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ।